नमस्कार दोस्तों, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानूनी गारंटी की मांग पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब अगले 2 दिन तक आंदोलन रोकने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अगले 2 दिन तक किसान जस के तस बैठे रहेंगे, परसों फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। बता दें कि बुधवार यानी कि कल किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन फिर से शुरू किया था, जहां शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच कई बार मुठभेड़ देखने को मिली थी। फिर उसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि कल और परसों शांति रहेगी, हम नीति बनाएंगे, परसों सामने हम दोनों फॉर्मों की रणनीति आपके सामने रखेंगे। किसान संगठनों ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली कूच आंदोलन के स्टे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बर्बरता की कार्रवाई किया है, जबकि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार से बातचीत की कोई भी चिट्ठी सामने नहीं आई है, अगर बैठक का बुलावा आया तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि पंजाब सीमा पर किसानों के क्रूर पुलिस दमन और हत्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री और कार्यकारी किसानों के साथ समझौते को लागू नहीं कर रहे हैं और वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि SKM पंजाब सीमा पर मामलों की स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और 22 फरवरी को राष्ट्रीय समन्वय समिति और आम सभा की बैठक में स्थिति पर व्यापक चर्चा की जाएगी और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक कार्रवाई भी की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।